आज मैं आपको 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताना चाहूंगा। तो 3 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो मेरा जो कॉपी है 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टार्टर होता क्या है, इसके बाद हम सीखेंगे इसके टाइप क्या है, स्टार्टर का टाइप सीखेंगे, उसके अंतर्गत कितने प्रकार के आते हैं हमारे पास, 3 प्रकार के जो टाइप आते हैं उसको हम क्रम से सीखेंगे। इसमें से फर्स्ट आता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। सेकंड आता है 3rd पॉइंट स्टार्टर, और 3rd नंबर क्या है, 4 पॉइंट स्टार्टर। और लास्ट में हम इनको सीखेंगे कि इसका फॉल्ट क्या होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर में फॉल्ट क्या होगा, इसको हम सीखेंगे। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि 2 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, 2 पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, या जो है सीरीज मोटर के लिए जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसमें उपयोग किया जाता है। ये एक सरल प्रकार का स्टार्टर होता है, इसका भी उपयोग 3 पॉइंट 4 पॉइंट के जैसे ही होता है कि आर्मेचर को हम जो अगर उसको हाई करंट जाता है तो उसको हम बचा सकते हैं स्टार्टर के माध्यम से। और हम मोटिवेशन के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लो आपका किसी का वेट 30 kg है, अब उसको 30 kg के उससे ज़्यादा अगर आपको आप उस पर वजन डालोगे तो क्या हो जाएगा, या तो वह गिर जाएगा या तो उसको नुकसान पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही हम अपने डीसी मोटर का जो आर्मेचर है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट में, जो कि मेरा मेन पॉइंट है 3 पॉइंट स्टार्टर। इससे पहले हम जाने कि स्टार्टर होता क्या है, और इस स्टार्टर तो स्टार्टर यह होता है कि अगर हम किसी भी डीसी मशीन को चला रहे हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसमें हाई करंट जाने लगता है, हाई करंट अगर जाएगा तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर को एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और इसका वर्किंग क्या होता है। तो आइए हम जान लेते हैं, ये जो हमारे पास दिख रहा है ओवरलोड रिले, इसके पहले हम एक पार्ट को जान लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। यह जो है हमारा क्या है, ORL, ओवरलोड रिले। इसके बाद में हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है ना उसको बचाने के लिए, मतलब इसमें अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको कम करते जाएंगे तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ते जाएगा, इसी के लिए रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है MVC कॉइल, MVC का नो वोल्ट कॉइल, इसका भी वर्किंग हम थोड़ी देर बाद ही बताएंगे। इसके साथ ही इसमें होता है फील्ड होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इनके वर्किंग क्या होता है। वर्किंग समझते हैं, जब हम इस मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं इधर से, ये प्लस और माइनस मतलब क्या दिया है, डीसी सप्लाई दिया है, क्योंकि हमारा डीसी मोटर है तो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। जब हम इधर से डीसी सप्लाई देंगे तो हमारा जो करेंट है वो ओवरलोड रिले इससे होते हुए स्प्रिंग में जाएगा, स्प्रिंग में जाएगा
ये हमारा जो है हैंडल होता है। हैंडल क्यों होता है? क्योंकि जब हम मोटर पे चलाना चाहेंगे तो स्टार्टिंग इसका रेजिस्टेंस जो है कितना होता है? हाई होता है। जब हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमारा उसमें करंट प्रवाह क्या होता है? कम होता है। अगर हमारा करंट प्रवाह मोटर में कम होगा तो हमारा मोटर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन जितना हमको चाहिए उतना नहीं चल पा रहा। तो हम क्या करते हैं, जब इस हैंडल को इस स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में ले जाते हैं तो हम इसको धीरे धीरे इसको कम करते जाते हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा मोटर कम करेंट देगा और इस जो मोटर है वह धीमी गति से चलेगा। इसी की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस हैंडल को इस स्टार्टिंग जो चोर में धीरे धीरे ऐसे करते हुए ये लास्ट ऑन पोजिशन तक ले जाते हैं। जब हम ऑन पोजिशन तक ले जाते हैं तो इसमें एक एनवीसी कॉइल होती है, जो हम बताए थे थोड़ी देर में बात बताएंगे ऐसे करते। तो यह जो एनवीसी कॉइल है इसका डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि जब हम इसमें रेजिस्टेंस में एक धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एनवीसी कॉइल में भी वोल्टेज जनरेट होती है। वोल्टेज जब जनरेट होती है तो यह मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है। तो जब हम इस हैंडल को रेजिस्टेंस को कम करते करते मोटर को गति देने के लिए इसमें ले जाते हैं तो यह जो है एनवीसी कॉइल या जो सॉफ्ट आयरन के पीस है उसको होल्ड करके रखती है। होल्ड करके रखती है तो हमारा क्या होता है, मोटर चलती रहती है कंटिन्यू। इसके साथ ही जो हमारा ये ऑन पोजिशन के आने पर यह अपने रेटेड गति को प्राप्त करते हैं और यह मोटर चलने लगता है। अब हम आते हैं ये ओवरलोड रिलीफ, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब ये हमारा जो सप्लाई है वह ओवरलोड रिले मतलब सॉरी ओवर करेंट ज़्यादा करेंट लेगा तब क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के दौरान होता क्या है, यह जो ये हैंडल के पीछे से दिख रहा है वो क्या होता है, ये जब इसका डिजाइन इस तरह किया जा रहा है अभी बताया हूँ, तो ये जब ऑपरेट होने लगता है तो यह जो सॉफ्ट आयरन है वह इसमें दोनों में चिपक जाता है। क्योंकि एनवीसी कॉइल का ये दो पॉइंट आया है ना, ये वन अरे इसमें ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के दौरान क्या होता है, ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, फिर इसमें जो मैग्नेटाइजर का जो गुण रहता है वह शॉर्ट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होता है तो क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज जो बना रहता है वह वोल्टेज क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमारा वोल्टेज क्या रहता है, जीरो रहता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें जो एनवीसी कॉइल है जीरो वोल्ट हो जाता है। जीरो वोल्ट होने की वजह से ये जो हमारा हैंडल है पुनः अपने ऑफ स्थिति में आ जाती है। ऑफ स्थिति में आने के से क्या होगा, हमारा मोटर सेफ रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले का फंक्शन और ये एनवीसी कॉइल का फंक्शन। देखो अब साथ ही हम इसके देख लेते हैं उनका फॉल्ट क्या है। इससे पहले सॉरी हम आपको क्वेश्चन ही करना चाहेंगे कि स्टार्टर होता क्या है, सौरभ इंद्र जी स्टार्टर होता क्या है? स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग करंट के कंट्रोल करता है ताकि हमारा जो आर्मेचर है या मोटर है वह बर्न होने से बच सके। और हमारा टाइप स्टार्टर का टाइप कितने प्रकार के हैं, वर्किंग विकल्प कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं? डीसी मोड कौन कौन सा, 2.3 स्टार्टर का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रास्ते पर। 2.3 स्टार्टर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सीरीज में। सीरीज ठीक, सीरीज में क्यों करते हैं? क्योंकि उसका क्योंकि आसानी से कर सकते हैं, सरल प्रकार का होता है, प्लस इससे स्टार्टिंग पावर भी अधिक होता है। ठीक है, और इसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल आप सबको समझ आ गया ना। इसके बाद में हम आपको बताएंगे इसका फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है। इसका फॉल्ट क्या होता है, क्यों क्या किया जाता है? जैसे कि हम ये 3 पॉइंट स्टार्टर हो गए, इसमें हम कुछ एडवांस करना चाहेंगे, एडवांस बोले जाए तो क्या, इससे हम गति को चेंज करना चाहेंगे, कम या ज्यादा जैसा लाना चाहेंगे, तो इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो क्या होता है, हमारा जो सेंट फील्ड का जो 4.0 स्टार्टर में सेंट फील्ड रहता है उसमें इसका जो करंट है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो कभी इसके साथ ही इसमें ज़्यादा होता है तो आर्मेचर का इसी जो फाइल को हम
इम्प्रूव करने के लिए पावर पॉइंट का स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो हम इसको एक बार डिटेल से बता देते हैं कि हमने आज जाना स्टार्टर क्या है। स्टार्टर वह होता है जो हमारे मोटर को मतलब हाई रेट करेंट से बचाता है, ताकि अगर मोटर को सप्लाई देंगे तो हमारा मोटर जल जाएगा, क्योंकि हमारे करेंट ज़्यादा हो सकता है। तो इसी को बचाने के लिए हम थ्री पॉइंट स्टार्टर फुटर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने जाना टाइप ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है टू पॉइंट स्टार्टर, सेकेंड होता है थ्री पॉइंट, और थर्ड होता है फोर पॉइंट, जिसमें से हमने आपको बताया थ्री पॉइंट स्टार्टर। थ्री पॉइंट स्टार्टर में होता क्या है, एक ओवरलोड रिले रहता है और एनबीसी कॉइल रहता है, हैंडल रहता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रहता है, साथ ही साथ आर्मेचर और इसका फ्रंट फील्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने वर्किंग प्रेशर को जाना कि हमारा जो सप्लाई है वह ओवरलोड में जाते हुए स्प्रिंग में जाता है, स्प्रिंग से जाते हुए हैंडल की मदद से स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कम कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कम करते जाते हैं तो हमारा जो मोटर है वह अत्यधिक मतलब अपने रेडिएटर पर घूमने लगती है। जब अपने हैंडल जो ऑन स्पीड में आ जाते हैं तो वहाँ एनबीसी कॉइल जो है इसको होल्ड करके रखती है, फलस्वरूप हमारा मोटर चलता रहता है। ये हो गया हमारा वर्किंग। इसके साथ ही हमने फॉल्ट को जाना कि हमारा जो ये फॉल्ट है इसको इसमें थ्री पॉइंट स्टार्टर में फॉल्ट आता है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम फोर पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो आप लोग कल इनके बारे में थ्री पॉइंट स्टार्टर होता क्या है, थ्री पॉइंट स्टार्टर के कार्य क्या होते हैं और उनका उपयोग कौन से मोटर में और क्यों किया जाता है, उनको आप बना के लाएंगे। इसके साथ ही हम अगली क्लास में आपको फोर पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताना चाहेंगे। और यह जो मेरा रेफरेंस है वह निमी बुक से लिया गया था और साथ ही नेट के माध्यम से। बस।